मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा तुर्की में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा, इसका जो बॉर्डर एरिया है वो सीरिया, ईरान, इराक, अरबेजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया से लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा पोर्ट बताता हूं जहां बहुत कम फेयर में तुर्की में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वो है एटाटुर्क। क्या क्या चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं? पैक्ड फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जैम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अचार पिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में पोटैटो, टमाटर, आलू, कैप्सिकम, आप मिर्च एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट कर सकते हैं, होम डेकोर की, होम सजाने की चीजें, जो घर सजाने की चीजें, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और वुलन क्लॉथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा एयरपोर्ट का नाम बताऊंगा जिसमें आप बहुत कम फेयर में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एटाटुर्क एयरपोर्ट जो अंकारा से कुछ ही दूरी पर है, उस पे काफी कम फेयर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की का कंट्री कोड है 90, अंकारा का सिटी कोड है 312 और इस्तांबुल का सिटी कोड है 216। जो करेंसी है वहां तुर्किश लीरा है। कुछ मैं हॉलीडे बता रहा हूं जिसमें आप ध्यान रखें कोई भी बिजनेस डील फाइनलाइज ना करें, क्योंकि इस समय वहां पे छुट्टी होती है। January 1st को न्यू ईयर होता है, अप्रैल 23rd को चिल्ड्रंस डे होता है, May 1st को स्प्रिंग्स फेस्टिवल होता है, May 19 को यूथ फेस्ट, यूथ स्पोर्ट्स होता है, August 30 को विक्ट्री डे होता है, October 29 को रिपब्लिकन डे होता है और November 10 को एटाटुर्क डे होता है। टर्किश में मोस्ट जो पीपल है, अधिकतर जो पीपल है वो तुर्किश लैंग्वेज ही बोलते हैं, 80%। कुछ कुर्दिश बोलते हैं, कुछ अरेबियन बोलते हैं। तो हमेशा बिजनेस कार्ड ले जाए तो वो टर्किश में हो या टर्किश में बैक साइड पे ट्रांसलेटेड हो तो ये अच्छा है। हमेशा बिजनेस मीटिंग में जाए तो काफी कार्ड लेके जाए, वहां पे काफी कार्ड एक्सचेंज होते हैं, इसलिए कार्ड काफी लेके जाए। बे को, सर को हम बे कहते हैं, हनीम को हम मैम कहते हैं वहां हमेशा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, कभी भी अथॉरिटी को आप अल्कोहलिक चीज आप गिफ्ट ना करें और हमेशा लॉन्ग क्लॉथ पहन के जाएं। जो भी डिसीजन लो, फाइनलाइज डिसीजन लो, वो सुपर अथॉरिटी ही फाइनलाइज करती है। आप उस कंपनी को ऐसी डील दें जो दूसरी कंपनी उन्हें ना दे रही, तो डील फाइनलाइज होने में आसानी होगी। समर में दोस्तों कभी ना जाए, उस टाइम वहां हॉलीडे होती है, इसलिए डील फाइनलाइज नहीं होगी। दोस्तों, हमारा टूडे वर्कशॉप है, सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम हमारी कंपनी है। फर्स्ट डे हम इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या क्या लाइसेंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। सेकेंड डे कॉन्टिनेंटल डे होता है जिसमें हम जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताएंगे, क्या क्वालिटी कंट्रोल है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या लाइसेंस लगेंगे उस देश में, किस तरह डील फाइनलाइज होगी, क्योंकि अलग देश के अलग लोगों की सोच होती है, ये सारी चीज हम सेकेंड डे कॉन्टिनेंटल डे में बताएंगे। ये वर्कशॉप हमारी इंडिया के अलग अलग सिटीज में होती है। तथा एक चीज और, दिल्ली में हमारी ये वर्कशॉप रेगुलर होती है, तो इस चीज का दोस्तों याद रखें। कोई भी क्यूरी हो, मेरी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, डायरेक्ट मुझसे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कॉमेंट हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, वो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम हो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अपनी सीट अगर बुक करवानी हो दिल्ली में या देश के किसी भाग में, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। दूसरे हमारे जो वीडियोस हैं यूरोप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।